आज की बड़ी खबर, क्या केजरीवाल कर रहे हैं फ्री की पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई घोषणा आग की तरह फैल गई है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बस और मेट्रो का सफर मुफ्त कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये नेक ख्याल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के जहन में विधानसभा के चुनाव से कुछ महीने पहले ही क्यों आया। क्या केजरीवाल फिर से फ्री की राजनीति करना चाह रहे हैं? क्या केजरीवाल ये घोषणा करके एक बार फिर जनता के वोट अपने खाते में लाना चाहते हैं? केजरीवाल की इस घोषणा ने जनता के मन में लाखों सवालों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री की इस सुविधा ने जनता को खुश तो किया है, मगर सवाल ये उठता है कि महिलाएं बस के बजाय मेट्रो में ज्यादा सफर करना पसंद करेंगी। ऐसे में इतनी भीड़ बढ़ने पर क्या भीड़ प्रबंधन मेट्रो से हो पाएगा? एक तरफ जहां महिलाओं के लिए इतनी सुविधा, वहां मर्दों के लिए कुछ क्यों नहीं? क्या केजरीवाल का वोट बैंक सिर्फ महिलाएं हैं? कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। पूरी प्लानिंग के बिना केजरीवाल जी ने हड़बड़ाहट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। अब ये हड़बड़ाहट सेवा करने की थी या वोट पाने की, ये कहना मुश्किल है। अब किस प्रकार भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा, ये तो तभी पता चलेगा जब मुख्यमंत्री जी के वादे सिर्फ वादे ना रहकर सच बनेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये फ्री सुविधा दिल्ली वासियों तक पहुंचेगी या फ्री वाईफाई की तरह इसके भी सिग्नल झूठे वादों के जंगल में खो जाएंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।